हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नॉक टीवी। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, दैट इज अ वन टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड सेल्फ फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। सेल्फ फॉर्म कहते हैं, जिस तरह आई की सेल्फ फॉर्म है माई सेल्फ, वी की सेल्फ फॉर्म है आवर सेल्फ, यू की सेल्फ फॉर्म है योर सेल्फ, ही की सेल्फ फॉर्म है हिम सेल्फ, शी की हर सेल्फ, दे की देम सेल्फ, इट की इट सेल्फ। आज हम उस सेल्फ फॉर्म के ऊपर बात करने वाले हैं। इंग्लिश में वो दो तरह से यूज़ होती है, एक एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और दूसरी एज एन इम्फेटिक प्रोनाउन। ये कैसे यूज़ होती है? एक ही चीज़ है, एक ही फॉर्म है, जिस तरह माई सेल्फ है ये दो तरह से यूज़ होगी, इस तरह योर सेल्फ है ये दो तरह से यूज़ होगी, आवर सेल्फ है दो तरह से यूज़ होगी। दोनों के मैंने अलग अलग कुछ एग्जाम्पल लिखी हैं। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए पहले लिखता हूँ कि मैक्सिमम कंटेंट आप तक पहुँचे। अगर मैं साथ साथ लिखूँगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आप तक कंटेंट कम पहुँचेगा, इसलिए मैं ये टाइम बचाने के लिए ऐसा करता हूँ। अब ये रिफ्लेक्सिव कैसे यूज़ होती है? आपने इंग्लिश का एक ऑर्डर पढ़ा था, जब एक सेंटेंस बनाते हैं उसका एक ऑर्डर होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट होगा, अगर वर्ब इनट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब इसी मैंने एग्जांपल लिखी है, द वुड कटर कट अ ट्री, वुड कटर ने ट्री काटा। अब देखें, वुड कटर काटने वाला है, ये सब्जेक्ट है, वुड कटर ने क्या काटा, जो काम किया, यानी ये रिसीवर, ये ट्री है। तो अब करने वाला कौन है? वुड कटर यानी डूअर, और रिसीवर कौन है? ट्री। वुड कटर ने ट्री को क्या किया, दैट इज कॉल्ड एक्शन, वो वर्ब होता है, तो ये कट यहाँ वर्ब है। अब इसी एग्जांपल से आप समझें, यहाँ डूअर है, ये रिसीवर है, करने वाला वुड कटर जिस पे काम हुआ वो ट्री, यानी कि ट्री और चीज़ है, वुड कटर और चीज़ है, दोनों सेम नहीं है। अगर दोनों सेम हो जाएं तो क्या हो जा? अब देखें ऊपर, यह ऐसे ही मैंने किया है, दोनों को सेम किया मैंने। अब देखें, ही सॉ हिमसेल्फ इन द मिरर। इस सेंटेंस में आप देखें, ही सा, ही क्या है? सब्जेक्ट है, शाबाश। सा क्या है? वर्ब है। अब मैंने आपको कहा है, अगर ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, सा क्या है? वर्ब है, और सा देखना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अभी हम इसको तलाश करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है। हर हिमसेल्फ को छोड़ दें आप, इन क्या है? प्रपोजिशन है। दी क्या है? आर्टिकल है, डिटर्मिनर एज अ यूज़ हुआ है। और मिरर क्या है? नाउन है। आपको ये पता है कि एवरी प्रपोजिशन हैज़ इट्स ओन ऑब्जेक्ट, हर प्रपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जी इन दी मिरर, ये तो इस प्रपोजिशन का, इन प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, इसे कहते हैं प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अगर ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो सा का ऑब्जेक्ट किधर गया? क्योंकि सा ट्रांसलेटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट है ये हिमसेल्फ जो मैंने लिखा है, हिमसेल्फ इसका ऑब्जेक्ट है। क्यों इसका ऑब्जेक्ट है? अब इसको मैंने रिफ्लेक्सिव क्यों कहा है कि ही जो है ना, ही को ही मैंने हिमसेल्फ कहा है, उसने अपने आप को देखा शीशे में, ही ने अपने आप को ही देखा है। यहाँ देखें, वुड कटर में वुड कटर और था, काटने वाला था, और ट्री जो कटा वो था, यानी डूअर और रिसीवर सेम नहीं थे। यहाँ देखें, ही डूअर है, काम करने वाला है, सब्जेक्ट है, नॉमिनेट है, और हिमसेल्फ वो उसका ऑब्जेक्ट है। अब ही ने अपने आप को ही देखा। जब इस तरह यूज़ हो किसी भी प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का, उससे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि खुद ही रिफ्लेक्ट करता है, अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है। ही ने देखा अपने आप को, तो इस शर्त में यहाँ एज अ रिफ्लेक्सिव यूज़ हुआ है इसका। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं इम्फेटिक में कैसे यूज़ होता है। इम्फेटिक में ऐसे यूज़ नहीं होता। इम्फेटिक में देखते हैं हम, ही हिमसेल्फ सॉ द मिरर। यहाँ देखें, इधर इन दी मिरर था, वहाँ मैंने इन हटा दिया, जानबूझ के हटाया है, क्योंकि मैंने उसको ऑब्जेक्टिव बनाना था। यहाँ इन दी मिरर ऑब्जेक्ट नहीं है, मैंने आपको बता चुका हूँ, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इधर मैंने उसको ऑब्जेक्टिव बनाना था, तो मैंने इन हटा दिया, क्योंकि प्रपोजिशन लग जाती, उसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो मैंने हटा दिया। ही हिमसेल्फ सा। अब देखें इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट है, काम करने वाला, शाबाश। सा क्या है? वर्ब है। हिमसेल्फ को छोड़ दें, उसने देखा। वट का रिप्लाई वर्ब से जब भी होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ही सा, उसने देखा। क्या देखा? वट डिड ही सी, उसने क्या देखा? उसने मिरर देखा, उसने शीशा देखा। अब देखें, शीशा हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, शाबाश।
ये ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट हीशा है, जो एक्शन हुआ वो साथ देखने का हुआ है। तो हिमसेल्फ का यहाँ का क्या काम है? बात जब हम इस तरह बोलते हैं इंग्लिश में, जब हम बात करते हैं ना, आपको कोई मिलने आया तो आपने आपने उसने कहा जी मैंने आपके अब्बू से 1,000 रुपया लेना है, आप उसको दे देते हैं, वो लेके चला जाता है। बाद में वो कहता है जी मैंने तो लिया ही नहीं था। आप कहते हैं मैंने तो खुद तुम्हें दिया है। खुद को इम्फेटिक कहते हैं, इम्फेटिक या फोर्सफुल करना किसी चीज़ को, एनर्जेटिक करना किसी चीज़ को, अर्ज करना किसी चीज़ को, जोर देना। यहाँ ऐसा ही हो रहा है, हिमसेल्फ उसने खुद शीशा देखा, यानी कि अपने आप को एनर्जेटिक करने के लिए। और ये किसको एनर्जेटिक कर रहा है, किसको ये एम्फेसाइज कर रहा है? ये कर रहा है हिमसेल्फ कर रहा है ही को। तो ही क्या है? प्रोनाउन है। और आपको ये पता है जो नॉन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव भी होता है। तो हिमसेल्फ यहाँ दो काम कर रहा है, इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज तो इम्फेटिक प्रोनाउन ही है, लेकिन काम ये एडजेक्टिव का कर रहा है, चूंकि ही के लिए काम कर रहा है। अब यहाँ देखें, दी मिरर लगा दिया, दी यहाँ डेफिनेट आर्टिकल है यानी कि डिटर्मिनर है, मिरर यहाँ नाउन है, तो ये एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है। अगर इन लग जाता फिर इसने ऑब्जेक्ट नहीं रहना था। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, ही प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन। लड़की की बात कर रहा है, उसने अपने आप को एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया। शी, अब देखें इसमें शी क्या है? सब्जेक्ट, शाबाश। प्रिपेयर्ड क्या है? वर्ब। अगर ये प्रिपेयर्ड वर्ब है, इसका मतलब इसको ऑब्जेक्ट चाहिए चाहिए। अब ऑब्जेक्ट इसमें आ रहे हैं दो, एक हरसेल्फ है, एक फॉर द एग्जामिनेशन है, इम्तहान के लिए तैयार किया। लेकिन आप ज़रा गौर से देखें, ये फॉर द एग्जामिनेशन ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसका नहीं हो सकता। किसका? प्रिपेयर्ड का। क्यों नहीं हो सकता? कि फॉर क्या है? प्रेपोजिशन है। दी क्या है? डिटर्मिनर है, डेफिनेट आर्टिकल है। एग्जामिनेशन क्या है? नाउन है। तो भाई ये तो हो गया प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए चाहिए। अगर ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इधर प्रिपेयर्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ कौन सा बचा? पीछे एक ही बचता है, वो है हर सेल्फ। तो हर सेल्फ ने यहाँ क्या काम किया? एज एन ऑब्जेक्ट काम किया। किसका ऑब्जेक्ट काम किया? शी का। यानी कि समझो शी ही है, शी ने ही अपने आप को तैयार किया है, कोई दूसरा नहीं है। अगर शी किसी और को तैयार करती फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आना था, वो भी लिखे मैंने, ये ऑब्जेक्टिव केस, मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट, ये दूसरे ऑब्जेक्ट आने थे, वो लिखा है मैंने। देखें यहाँ, शी बीट हर, उसने उसको मारा, ये देखने में गलत लगता है। गलत क्यों लगता है? देखें शी मारने वाली है, और जिसको मार पीटी वो आगे खुद ही तो नहीं हो सकती ना। अगर खुद ही है तो हर सेल्फ आना चाहिए था। अगर ये हर लगाया मैंने, इसका मतलब मैंने गलत लगाया, यहाँ होना चाहिए था हर सेल्फ, शी ने अपने आप को ही पीटा। लेकिन ये भी तो हो सकता है ये हर कोई और हो, शी दो भी तो हो सकती ना, एक शी ने दूसरी शी को पीटा, ये भी हो सकता है। लिहाजा ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कोई और है, खुद नहीं है वो, ये खुद तो नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। खुद होगी तो हर सेल्फ आएगा। इसी तरह नीचे देखें, शी बीट हर सेल्फ, ये है, अगर खुद होती तो हर सेल्फ आना था। यहाँ इसी एग्जांपल में देखें, अब शी ने प्रीपेयर्ड किया, किसको प्रीपेयर्ड किया? आपको पता है वर्ब से व्हाट का रिप्लाई या होम का रिप्लाई, होम किसको? शी ने प्रीपेयर्ड किया किसको? होम का रिप्लाई है ना, अपने आप को तैयार किया, ये क्या है यहाँ? ऑब्जेक्ट, शाबाश। तो ऑब्जेक्टिव केस इस तरह जब भी आता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, शाबाश। अब इसका दूसरा एंटी देखते हैं इसका, वो है शी हर सेल्फ प्रिपेयर्ड। मैंने हर सेल्फ को उधर से उठा के इधर कर दिया है, शी फिर सब्जेक्ट है, और अगर शी सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट भी चाहिए और इसको वर्ब भी चाहिए। आगे प्रिपेयर्ड आ गया वर्ब, ये प्रिपेयर्ड वर्ब है, अगर ये प्रिपेयर्ड वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको एक्शन करना ही करना है, इसको ऑब्जेक्ट भी चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट है ब्रेकफास्ट, शाबाश। उसने ब्रेकफास्ट तैयार किया, ब्रेकफास्ट हो गया ऑब्जेक्ट, शी ने प्रिपेयर्ड किया ब्रेकफास्ट, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई वर्ब से क्या तैयार किया, व्हाट डिड शी प्रिपेयर, उसने क्या तैयार किया, उसने ब्रेकफास्ट तैयार किया, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। आगे क्या है? फॉर हर हस्बैंड, अपने खावंद के लिए, फॉर फिर प्रपोजिशन है, हर यहाँ एज एन एडजेक्टिव आया, जिसे कहते हैं ना प्रोनाउन, एडजेक्टिव प्रोनाउन यूज हुआ है, पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं इसको हम, हर हस्बैंड नाउन है। तो भाई ये जो फॉर से लेके फॉर हर हस्बैंड है, ये हो गया प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, किसके लिए खाना तैयार किया? खावंद के लिए, शाबाश। अब ब्रेकफास्ट
सब्जेक्ट आ गया यहाँ, ऑब्जेक्ट आ गया, सॉरी। अब तीसरी एग्जांपल में देखते हैं हम, आई वॉश्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को साफ किया, आई फिर वर्ब सब्जेक्ट है, सॉरी, आई वॉश, वॉश फिर वर्ब है, मैंने आपको कहा क्या है ऑर्डर क्या है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो आई सब्जेक्ट हो गया, वॉश वर्ब हो गया, मैंने धोया, वॉश किया, किसको वॉश किया, होम का रिप्लाई नहीं आ रहा हमें, आ रहा है लेकिन हर सेल्फ, माई सेल्फ को, मैंने अपने आप को ही वॉश किया, तो यहाँ माई सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है और इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्लियर। अब इसको इसके एंटी देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ गेव हिम द चेक, वही मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, आपको किसी ने, आपने किसी को चेक दिया है, पैसे दिए हैं, मनी दिया है, बाद में वो कहता है मुझे नहीं दी, तो आपके अबू आपसे पूछते हैं आपने उसको पैसे दिए थे, चेक दिया था, तो आप कहोगे हाँ अबू जी मैंने खुद दिया था, खुद, इस तरह खुद कहने को, यानी एम्फेसाइज करके, अर्ज करके, एनर्जेटिक बनाकर कहने को इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, यही यहाँ यूज हुआ है। देखें आई, आई आई क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, गेव, आई गेव, मैंने दिया, टू होम, किसको दिया, जिसको दिया वो ऑब्जेक्ट है, हिम यहाँ ऑब्जेक्ट है, शाबाश, क्या दिया, व्हाट, द चेक दिया, इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दी चेक क्या दिया, दी चेक, दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको दिया, टू होम, हिम को, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसे कहते हैं, ये कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट भी लेते हैं, यहाँ गेव दिया, माई सेल्फ का क्या काम है, मैंने खुद दिया, माई सेल्फ यहाँ एज ए इम्फेक्टिक प्रोनाउन यूज हुआ है और काम ये कर रहा है एडजेक्टिव का, क्योंकि आई को क्वालिफाई कर रहा है, आई क्या है, नॉन प्रोनाउन, नॉन प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करे उसे कहते हैं एडजेक्टिव, और इम्फेक्टिक प्रोनाउन है, काम यहाँ एडजेक्टिव का कर रहा है। फोर्थ एग्जाम्पल हम देखते हैं, द वुड कटर, ये सारे का सारा वुड कटर, ये सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, क्या किया इसने, आगे ऑब्जेक्ट पे काम किया होगा, अब इसको छोड़ें, वुड कटर ने क्या किया, काटा, शाबाश, वुड कटर ने काटा, काटा ट्रांजिटिव वर्ब है, कट ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ एक ही बचता है, वो है हिमसेल्फ, वुड कटर ने अपने आप को काटा, कुल्हाड़ा चला रहा होगा, अपने आप को लग गया, तो वुड कटर ने अपने आप को काट दिया, तो इसी सेंस में जब यूज होता है सेल्फ वाली फॉर्म, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसका एंटी देखते हैं, नेक्स्ट, लाइबा हरसेल्फ बॉइल्ड, सॉरी बॉइल्ड आना था ना, बॉइल्ड एग्स, लाइबा ने खुद अंडे उबाले, खुद अपने आप को जोर देके कह रही है, इम्फेटिक बना रही है, इसलिए तो नाम इसका इम्फेटिक है, लाइबा ने खुद अंडे उबाले, हम इसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, लाइबा सब्जेक्ट है, क्या किया लाइबा ने, बॉयल किया, क्या बॉयल किया, अंडे बॉयल किए, सब्जेक्ट तो हमारा टेंस पूरा हो गया, सेंटेंस करने वाला सब्जेक्ट जिस पे काम हुआ, डू अ रिसीवर, वो रिसीवर, एग्ज रिसीवर है, लाइबा ने अंडों को क्या किया, दैट इज कॉल्ड एक्शन, एक्शन इज वर्ब, उसने बॉयल किया है। अब यहाँ हर सेल्फ का क्या काम है, हर सेल्फ काम लाइबा के लिए काम कर रहा है, लाइबा लड़की है, लड़की का शी आता है, शी का हर सेल्फ ही आएगा ना, तो हर सेल्फ ने यहाँ लाइबा के लिए काम किया है एज एन इम्फेक्टिक प्रोनाउन, और ये काम इसने किया है एडजेक्टिव का। नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल आपकी है, शी हर्ट हर सेल्फ विद द नाइफ, उसने चाकू के साथ अपने आप को जख्मी कर लिया, इसमें काम करने वाला कौन है, शी ने, शाबाज, हर्ट वर्ब है, उसने जख्मी कर लिया, टू होम, किसको जख्मी किया, होम, होम का रिप्लाई आ रहा है ना वर्ब से, किसको जख्मी किया, हर सेल्फ को। अब देखें सेंटेंस पूरा हो गया, शी ने जख्मी कर लिया अपने आप को, शी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हर सेल्फ ऑब्जेक्ट है, फिर विद द नाइफ क्या है, चाकू के साथ, ये एडवर्बल फ्रेज है, और कैसे पता चला कि विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती, वो अपना, उसका अपना होता है, तो विद अ नाइफ विद प्रेपोजिशन है, ए यहाँ डिटर्मिनर है, यानी कि इंडेफिनेट आर्टिकल है, और नाइफ नाउन है, ये सारे का सारा फ्रेज है, एडवर्बल फ्रेज है, काम कर रहा है, और इसका अपना ऑब्जेक्ट है, लिहाजा हर सेल्फ यहाँ एज एन ऑब्जेक्ट आया है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको एंटी देखते हैं, दूसरा, द स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों ने, तालिब इल्म ज़्यादा हैं, दे लगेगा, दे का देम सेल्फ ही बनेगा ना, स्टूडेंट ज़्यादा हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, स्टूडेंट सब्जेक्ट है, स्टूडेंट ने मेड रोबोट्स, उन्होंने रोबोट्स बनाए, चाइना के स्टूडेंट होंगे ना जो काम करते हैं, रोबोट्स बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, टॉयज़ बनाते हैं,
उन्होंने रोबोट्स बनाए। क्या बनाया? व्हाट, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट, ये रोबोट बनाई उन्होंने, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छा मेड क्या है? वर्ब है। ये तो सेंटेंस पूरा हो गया, स्टूडेंट ने रोबोट बनाए। अब हिम्स देमसेल्फ लगाने का मतलब है स्टूडेंट ने खुद रोबोट बनाए, यानी खुद किसकी हेल्प के बगैर बनाए, वो इतने एबल थे, इतने काबिल थे, या हिमसेल्फ ने काम किया है इम्फेटिक प्रोनाउन का और ये काम कर रहा है एज एन एडजेक्टिव, और किसके लिए काम कर रहा है? स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया उसने। तो वी आर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।